Hi guys, this is Mehrooz again and it's my first vlog on YouTube and I'm here in Bareilly at Yubvina Library and there is a exhibition guys, art exhibition is going on and I came here with my maternal so I'll show you some art pieces, some artwork and guys I will also interview some people who are going to show their artwork in exhibition. So guys, this is the library, see, and wow, it's beautiful, it's very green, and let's go inside, going upstairs, and I'm here. Library. This is the library. It is raining inside. Let's see. So let's go. I'm going inside the exhibition and I'll show you some artwork. This is beautiful guys. Another one. This is amazing. Ah, what a cute dog. सभी धर्मों को जो है एक जगह जोड़ता है और जो भी इसमें थॉट लिखे हैं अरबी के, अरबी की जो भी चीज इसमें लिखी हुई है वो सभी धर्मों के मानने वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक यह है ये कुरान की आयत है छोटी सी जिसका अबेरी आना है रब्बे को माते का जीवान, इसका मतलब होता है तुम अल्लाह की, तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे। मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ जो अल्लाह ने पैदा की है, जो ईश्वर भगवान या जो भी है उसने पैदा किया है, वो एक नायाब चीज़ है,
मतलब वो उसकी कोई मिसाल नहीं है कहीं दुनिया में कहीं पे। तो ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि कोई भी चीज़ को आप झुटला नहीं सकते, उसकी हर चीज़ नेमत है। बजाते खुद इंसान एक नेमत है, आप उसको इंसान की बॉडी का एक पार्ट खराब हो जाता है उसकी वो मशीनों की तरफ आ जाती है, लेकिन मशीनें तो काम नहीं कर पाती हैं। इसीलिए हम यहाँ आके मजबूर हो जाते हैं कि हम वहाँ मतलब जो यहाँ पर साइंटिस्ट यहाँ डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं कि जब आ जाते हैं तो आप भगवान से ईश्वर से अल्लाह से दुआ करें। दूसरा वर्ग है इसका मतलब है कह दो कि अल्लाह एक है, खुद बोल ना हो आप कह दो कि अल्लाह एक है और ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड सब एक ही है। मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, सब उसी का दिया हुआ, ये टैलेंट भी उसी का दिया हुआ, ये गॉड गिफ्ट है, ये मैंने कुछ सीखा नहीं है, ये अल्लाह बोलकर किसी तीसरी आर्ट है जिसमें ये आधा अरबी आधा प्लस इंग्लिश है, अरबी प्लस इंग्लिश। तो इसमें जो है मैं इसका मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, जो कुछ भी है अल्लाह है, अल्लाह के सिवा दुनिया में कुछ नहीं है। मतलब सब चीज़ उसी ने पैदा की है, सारी दुनिया को वही चला रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। तो ये इस पर्पज से जो वो बनाए गए हैं इंसानों को आपस में जोड़ो, सब चीज़ अल्लाह से जाके मिलती है। ये सिर्फ मुसलमानों की ये बात नहीं है, लेकिन ये जो भी मजहब की किताब है, जो भी मजहब के ईश्वर या जो भी भगवान है, वो सब एक ही जगह जाके मिलते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। इसको कहते हैं कैलीग्राफी, ग्रेटिंग कैलीग्राफी है। सर आपको गाइस ये पसंद आगे पर्सनल आगे प्लान भी है कुछ? मैं प्लान है कि मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूँ, अपना हुनर जो है लोगों को सिखाऊँ और ये तमाम दुनिया में। दो घंटा उनके आपका ये सपना बहुत जल्दी पूरा हो। सो अब हम चलते हैं और लोगों के इंटरव्यूज की तरफ। अब मैं हूँ कर्नल श्याम लाल के साथ, जिनका ही बहुत अच्छा आर्ट वर्क है ये देखिए। ये इन्होंने अपने बहुत ही खूबसूरत आर्ट पीस इन्होंने अपने हाथों से बनाया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है आपको दिखाने की तरफ से। देखिए तो मिस्टर कर्नल, हमें इस आर्ट पीस के बारे में बताइए कुछ कि इसकी क्या खासियत है, इस हमें क्या मैसेज मिलेगा। ये मेरे डॉटर मेरी डॉटर सोहानी ने बनाया है। इसकी खासियत ये है, ये ग्रास मीडियम में बनाया हुआ है। इसको बनाने में करीब 3 महीने लगे। पहले तो इसको मोम में बनाया गया, मोम के बाद इसका खचा बनाया गया, फिर उसको गर्म करके मोम को बाहर निकाला गया और फिर खांचे में ब्रास को मिलाकर डाला गया। इसको बनाने में कम से कम 3-4 महीने लग गए और ये मेहनत का काम है और टैक्सिंग है ये स्कल्पचर बनाना। कर्नल ने एक और आर्ट पीस है उनका, ये रहा वो भी हाथों से अपनी उन्होंने बनाया है बहुत ही मेहनत से। इसका आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मैसेज मिल रहा है? कालिदास यूनिवर्सिटी जो उज्जैन में वहाँ के आर्ट सेलेक्ट हुआ था के लिए। एक लेडी है जो अपने हस्बैंड से दूर होने के बाद उदास मूड दिखाया गया है, बिल्कुल उदासी का मूड है क्योंकि वो काफ़ी दिनों से अपने हस्बैंड से मिले नहीं, काफ़ी सैड स्टोरी है। उसके बाद एग्जीबिशन में ऐसा चलता रहता है, हंसना रोना सारी पेंटिंग्स में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। तो अब चलते हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे जो प्लान मिला बहुत अच्छा लगा, अपने जवानी सो मच। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्ट वर्क की तरफ, देखते हैं किसका आर्ट वर्क मिलता है हमें। आपका नाम महक, सो दिस इज महक और ये
ड्राइंग आइज महक ने बनाई है। महक बताइए अपनी इस आर्ट वर्क के बारे में, इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है? My mentors, Awesome Army, Mohammed Munir, say something about this. Awesome Army, I'm a vlogger. Please do like share. ये आर्ट गैलरी कैसी लग रही है? एग्जीबिशन में मज़ा आ रहा है? एग्जीबिशन में मज़ा आ रहा है? बिल्कुल नहीं घर जाना आपको? अच्छा, नमस्कार, पानी पी लो गाइस।